ये सीन है यहाँ पे किडनी हिल पार्क का, ये सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट है। और अभी और आपको उस बोर्ड के पीछे से दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं किडनी हिल पार्क जा रहा हूँ और काफ़ी टाइम से यहाँ जाने का प्रोग्राम था। 2 महीने पहले भी मैं आया था यहाँ पे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ये पार्क बंद पड़ा हुआ था। तो आज फिर एक मौका मिला, हमारे दोस्त तैमूर भाई जा रहे थे किडनी हिल पार्क कुछ शूट करना है यहाँ पे उन्होंने, तो रात को उन्होंने बताया कि यार मैं जा रहा हूँ तो अगर चलना है। मैंने कहा चलो चलते हैं। अभी इस वक्त तकरीबन सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरे राइट साइड पे अगर सामने आपको देख रहा हो तो किडनी हिल का बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे पार्क जाने से पहले हमारा नाश्ते का प्रोग्राम है। यहाँ पे काफ़ी फेमस क्वेटा आलमगीर होटल है, वहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। यहाँ के लच्छेदार पराठे जो हैं वो मशहूर हैं। तो इंशाल्लाह बस अभी क्वेटा आलमगीर होटल पहुँचते हैं, वहाँ पे गैदर होंगे हम लोग। ज़्यादा कोई नहीं है, 2-3 दोस्त ही हैं और बस नाश्ता करके फिर पार्क जाएंगे। मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इस पार्क में, तो मुझे आइडिया नहीं है अंदर से किस तरीके का दिखता है। बहुत अच्छा पार्क तो नहीं होगा यकीनन, ज़ाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है कुछ, लेकिन सुना है यहाँ पे 80,000 दरख्त लगाए गए हैं, तो काफ़ी एक छोटा सा जंगल बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, तो उसको देखना है किस तरीके से प्लांटिंग हुई है यहाँ पर। तो वो अभी चल के देखते हैं नाश्ता करके। ये आ गया हमारा क्वेटा आलमगीर होटल, जहाँ पे अभी हम करेंगे नाश्ता। बाइक को साइड पर लगा देते हैं। ये हमारा नाश्ता आ गया है और ये हमारे तैमूर भाई भी आ गए हैं और आज तैमूर भाई अपना शूट करेंगे। शूट पे निकले हैं आप? हाँ, मैं शूट पे निकला। शूट पे निकले हैं और हम एक्सप्लोर करेंगे किडनी हिल को। तो अभी इसका करते हैं नाश्ता यहाँ पे। ये लच्छे होते हैं इसके पराठे में, पराठे का साइज छोटा सा है लेकिन है पराठा भरपूर, पेड़ा उतना ही है, आग के बराबर है लेकिन पेड़ा पूरा है, पेड़ा पूरा होता होगा ना, उतना ही बड़ा ही पेड़ा होता होगा। टेस्ट भी अलग है इसके पराठे का, टेस्ट भी अलग है। ये नहीं है कि सिर्फ पराठा छोटा है, बहुत छोटा है। असल में इसको देख के जो ना पेट नहीं भरता। सही कह रहे हो, मतलब बोलते यार मैंने खाया क्या, नन्ना सा पराठा खाया। दो पराठे तो खाने पड़ेंगे एटलीस्ट। अच्छा जी, नाश्ता हमने अभी कर लिया है और नाश्ता करते करते 1.25 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 9:15 हो रहे हैं अभी। और बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं, 1 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से, पीछे ही है आपका किडनी हिल पार्क। तो चलते हैं और हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके का ये पार्क है। सो ये क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, अहमद अली पार्क किडनी हिल, बेसिकली ये रूट है। वो गेट में हाल परमानेंट बंद है। ये आ गया भाई किडनी हिल पार्क, चलो जी खुला हुआ भाई पार्क, खुला हुआ है, आए पार्क में आपको घुमाते हैं। अहमद अली पार्क और किडनी हिल, पार्किंग वार्किंग तो यहाँ मेरे ख्याल से चार्ज नहीं है, फ्री। ऐसे क्यों भाई? नहीं तो पार्क यहाँ करके पैदल जाएंगे ना आगे। अबे हाँ, ये बात भी, ये है ना दा, यहाँ साइड से ले चलते हैं। हाँ चलिए, अभी यहाँ हमने बाइक्स पार्क कर दी हैं। मुश्किल थे, ये एक छोटा सा दरख्त का शेड मिला है तो यहाँ पे पार्किंग कर दी है और अभी हम अंदर पैदल वॉक करके जाएंगे पार्क में। अच्छी खासी वॉक है,
और यहाँ से मुझे लग रहा है एक छोटा सा पहाड़ का टीला सा है ऊपर, तो वहाँ ऊपर टॉप पे जाना है हमें। तो अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं पार्क के अंदर। बाइक्स या कार नहीं जाने दे रहे ये लोग, यहीं पर ही गाड़ियाँ भी एक दो आई हैं यहाँ पर, इधर ही पार्क हो गई हैं और बाइक्स भी हमने यहीं पर ही पार्क कर दी हैं। तो बस अब यहाँ से अब पैदल ट्रैकिंग करेंगे और फिर अंदर पार्क को देखते हैं। दरख्त तो काफ़ी लगे हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह, लेकिन अंदर जाके देखेंगे तो आइडिया होगा कि किस तरीके की अंदर इन्होंने शजरकारी की हुई या प्लांट्स लगाए हुए हैं। हम इंटर हो गए हैं इस वक्त पार्क के अंदर। अगर मौसम अच्छा हो तो अच्छी लोकेशन है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये लिख के लगाया हुआ है, जो इन्होंने यहाँ प्लांटेशन की है उनके सारे नाम, और वो ऐसी जगह लगाए हैं कि वो दरख्त से छुपा दिए हैं। इन्होंने बोर्ड थोड़ा सा गलत जगह लगाया, ये सारे प्लांट्स हैं जो यहाँ पे लगाए गए हैं। कोकन ट्रेल किडनी हिल। अच्छा, इस पार्क में कुत्तों की कोई कमी नहीं है, बेशुमार आपको यहाँ कुत्ते मिलेंगे, तो अपनी सेफ्टी आपने खुद करनी है। इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है तो सन्नाटे ये देखें, 1 2 3 4 तो यही नज़र आ रहे हैं, अंदर भी बहुत होंगे क्योंकि यहाँ पे इतना लोगों का आना जाना नहीं है इस पार्क के अंदर, और जंगल है सारा, तो इसलिए ये कुत्ते वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। और जिस तरह मुझे यहाँ ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, तो होपफुली अगले साल या 1.5 साल बाद यहाँ पे एक अच्छा खूबसूरत जंगल बन चुका होगा। और मोस्टली इन्होंने यहाँ पे नीम के दरख्त लगाए हुए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ना सिर्फ नीम के दरख्त टेम्परेचर को काफ़ी डाउन कर देते हैं गर्मी के अंदर, बल्कि छाँव भी जो है ना उसकी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं सामने का, इस एरिया में सारा नीम का दरख्त लगा हुआ है, और यहाँ पे थोड़े डिफरेंट काइंड के ट्रीज़ भी लगाए हैं इन्होंने। और इस रोड शायद ये बने, अभी तो कच्चा है, दोनों साइड पे इन्होंने बेंचेस लगा के रखी हुई हैं। और सही है, पार्क अच्छा मुनासिब है, थोड़ा सा भी डेवलपमेंट और होना इसके अंदर बाकी है। मज़ीद जैसे ये रोड अभी आप देख रहे हैं, रोड ख़राब है, रोड बन जाए, कैंटीन्स वगैरह बन जाए यहाँ पे, और बाइक के अंदर तक, गाड़ियों और बाइक के अंदर तक पार्किंग का सेटअप बन जाए, बजाय इसके कि आप पैदल यहाँ से पार्क के अंदर जा रहे हैं, तो अंदर कहीं इनको पार्किंग का जो है वो सेटअप बनाना चाहिए। तो ये चीज़ें बन जाएँ तो फर्दर और अच्छा हो जाएगा। अभी यहाँ से पैदल जाते हैं ऊपर, ये सीधा जा गए हूँ ऐसे, यहाँ ऊपर जाएंगे तो वहाँ ऊपर जाके कराची शहर का व्यू दिखता है, और बस वो देखेंगे, आपको भी दिखाते हैं ऊपर कैसा व्यू आता है यहाँ से। ये बड़ा प्यारा सा नाम रखा है, राकापोशी ट्रेल। बेशक राकापोशी जैसी कोई चीज़ यहाँ है नहीं, कोई राकापोशी वाली चीज़ नहीं है, लेकिन राकापोशी ट्रेल नाम रखा है। स्माइल यू आर इन किडनी हिल है भाई, स्माइल यू आर इन किडनी हिल। और ये हिंगोल ट्रेल है जो ये लेफ्ट पे जा रही है। अच्छा, ट्रेल इन्होंने कोई मैप बनाना चाहिए, अगर कोई ऐसी ट्रेल इसमें है भी अगर इन्होंने। तो अभी हम कहाँ सीधा जा रहे हैं क्या? हम सीधा जा रहे हैं इस ट्रेल पे नहीं जा रहे हम लोग, हिंगोल ट्रेल। हिंगोल ट्रेल चल लो, नहीं तो आगे जाके, असल में काफ़ी बड़ा पार्क है ये। तुमने पूरा देखा नहीं? पहले पूरा देख लो, तो एंड में भी कर सकते हैं। चलो फिर सीधा चलते हैं, पानी की बोतल ने लिए गलती करी, मैं उस टाइम पर बोला था, फिर हम लोग जो ना वो इंटरकॉम में लग गए, मेरे भी ध्यान से निकल गई पानी की बोतल। देखो भंड तो हिस्सा है ज़िंदगी, हो सकता है अंदर कोई कैंटीन बनाई हो। अच्छा, ये वाली ट्रेल अच्छी है, खूबसूरत है। हाँ। सिर्फ यहाँ पे कमी है कि दरख्त अभी थोड़े छोटे हैं, थोड़े से दरख्त और बड़े हो जाएंगे ना ये, और ये रोड बन जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये। बाकी बेंचेस वगैरह मार्किंग अच्छी की है उन्होंने, मुनासिब किया हुआ है सब कुछ, लेकिन हाँ। ये एक कुछ चीज़ों की कमी है अभी भी, एक प्रॉपर पार्क नहीं कह सकते उसको अभी हम। प्रॉपर पार्क असल में देखो, दरख्त जब तक बड़े नहीं हो जाएंगे, आप वैसे ये बोल सकते हैं कि दरख्त क्या ये रोड तो प्रॉपर पार्क हो जाएगा भाई। देखो ये रोड बना दें, हाँ। अंदर कैंटीन वॉशरूम्स बना दें, और बस यही चीज़ें होती हैं पार्क में, और क्या पार्क। बाकी ग्रास थोड़ा सा सेट कर दें, ग्रास इधर नहीं है नज़र आ रही, सही है। सरफेस जो है वो ऊंची नीची है ग्राउंड की, उसको प्लेन करना चाहिए इनको। ख़त्म नहीं हुई है ना अभी शजरकारी, ख़त्म नहीं हुई ना? हाँ, अभी शजरकारी चल रही है यार भाई। देवसाई देवसाई पार्क
देवसाई पार्क अभी बन जाएगा ये कुछ अर्थे में, देवसाई पार्क फिलहाल तो। हाँ वो चीले धूप खाने आई हैं। लव किडनी हिल, किडनी हिल केम सी झंडा देख रहा हूँ ना, एस्टैब्लिश 2019 सामने मैंने पहली वाली वीडियो बनाई थी, तकरीबन ये किलोमीटर हो जाएगा। अरे वही तो जाना था हमें, हाँ वहीं जा रहे हैं, ऊपर जाना है। हाँ ऊपर झंडे के बाद, ऊपर जो किडनी हिल का जो स्लोगन है वहाँ नहीं गए तो फिर फायदा क्या आने का, ये बात भी सही है। तो वहाँ पे चलते हैं अभी, आखिरी किनारा है वो किडनी हिल का मेरे ख्याल से, वो गेट एक किलोमीटर, एक किलोमीटर के डिस्टेंस पे मेन जो पार्किंग है बैरियर, मेन बाई बैरियर उससे अंदर तकरीबन एक डेढ़ किलोमीटर पैदल वॉकिंग है। धूप तेज है लेकिन सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त 9:30 बज रहे हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं चुभ रही अभी, जैसे जैसे सूरज ऊपर पहुंचता जाएगा और तेज़ होती जाएगी धूप। ये दरख्त लगे हुए हैं, जैसे जैसे ये अभी दरख्त बढ़ते जाएंगे ना तो ये आपको इसी तरीके का खूबसूरत सा व्यू आता जाएगा, जंगल टाइप का। जैसे ये एक आपको सामने दिख रहा है, यहाँ के दरख्त थोड़े से अभी बड़े हुए हैं तो एक अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर बना रहे हैं यहाँ पे। ये देखें जैसे करीब से दिखाता हूँ आपको, ये जैसे एक अब जंगल के अंदर आ गए और पूरा छांव, दरख्तों ने शेड बनाया हुआ है यहाँ पे, ये देखें। ये जो वो चीज़ है जो अभी इंशाल्लाह 6-8 महीने बाद या साल बाद यहाँ पे नज़र आएगी जगह जगह, थोड़ा सा टाइम और यहाँ पे लगेगा अभी इसको। दरख्त तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत लगा दिए हैं यहाँ पे, 80,000 ना भी लगाए हों लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में लगाएं, और इसका बेनिफिट अभी थोड़े अर्थे में इंशाल्लाह हम सबको मिलेगा। सूरज ऊपर आता है यार, चमक रहा है बिल्कुल ऊपर, और इस हिल के ऊपर जाना है अभी हमें। ये मैंने फिर रिवर्स करके कैमरा, इसका हवा लेकिन ठंडी है यार, हवा ठंडी है। अब इस पर ऊपर जाने का रास्ता है तो सही है, रास्ता ये ज़्यादा स्टीप है, वो वाला ज़्यादा बेहतर है। क्या प्रोग्राम है, चलें? यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ पे स्टेप्स थोड़े से मुनासिब बने हुए। सही है, थोड़ा सा गीला हो तो डेंजर हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ से ये इस तरीके का व्यू है, गोपुर में शायद ना दिख रहा हो लेकिन ये काफ़ी बड़ा हिस्सा कराची का यहाँ से दिखता है। हा आधा कराची यहाँ से दिख रहा है, आधा कराची यहाँ दिख रहा है। और ऊपर ये आ गया जी किडनी हिल का बोर्ड, छोटे छोटे बच्चे आए हैं तो ये सीन है यहाँ पे किडनी हिल पार्क का, ये सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट है। और अभी और आपको उस बोर्ड के पीछे से दिखाते हैं आपको, ये आ गया किडनी हिल पार्क, और खूबसूरत सा बड़ा यहाँ ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग भी लगा हुआ है। यहाँ मज़ीद और कोई जगह नहीं है, बिल्कुल एज पे हूँ इस वक्त में तो मज़ीद आगे नहीं हो सकता, जगह नहीं है यहाँ पे आगे होने की। तो ये है जी किडनी हिल पार्क, और ये इसका बोर्ड। जब मैं सुबह आ रहा था वो साइड से तो वहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी इसकी बनाना, और वहाँ से ये बोर्ड दिखता है, मेन रोड उधर है, कैमरे में नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं उस तरफ से आया हूँ। और काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, अगर थोड़ा सा क्लाउडी वेदर हो तो
मैं कहता हूँ यहाँ पे आके बैठना चाहिए 10-15 मिनट हैं। नहीं नहीं अभी बहुत आगे स्पेस है इतना, लेकिन स्टीप है, ख़तरनाक है, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो खैर मेरे तो गोप्रो में वैसे ही सब पूरा आ रहा है, कैप्चर हो रहा है पूरा। तो ये सीन है, छोटा सा पार्क है और ये आइडियल लोकेशन है इस पार्क की। फिर वही कहूँगा कि वेदर जो है वो मेजर रोल वेदर का है, या तो सनसेट के टाइम यहाँ पर आए बंदा नॉर्मल डेज में भी, तो वो बेस्ट आपका जो है टाइम होगा यहाँ पे स्पेंड करने का। सनसेट से आधा घंटा पहले आके आप यहाँ पे आके बैठ जाएं और यहाँ से आप सनसेट को देखें, क्योंकि सनसेट उसी साइड पे होगा, सामने समंदर है उसी साइड पे और सनसेट उसी तरफ होना है, तो बहुत ही आइडियल व्यू आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा विज़िट होगा यहाँ पे वो सनसेट के टाइम होगा, तो फिर वो भी आपको इंशाल्लाह कभी दिखाएंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, आई होप के आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा बहुत पार्क का आइडिया हो गया होगा आपको कि किस तरीके का पार्क है। काफ़ी बड़े पैमाने पर दरख्त यहाँ पर लग रहे हैं और जब ये दरख्त बड़े हो जाएंगे तो ये और ख़ूबसूरत हो जाएगा। तो इसके साथ इजाज़त, वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।